के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा का नवाचार। पोषाहार किट्स पर मतदाता पंजीकरण एवं जागरूकता के स्टिकर का विमोचन। आज दिनांक 29/2023 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र जिला परिषद भवन कोटा में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम स्विप अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का प्रारंभ राजेश डांगा उपनिदेशक ICDS कोटा द्वारा सभी आगंतुकों को स्वागत करके किया गया। उनके द्वारा आगामी चुनाव के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने और जागरूक निर्णय लेने बाबत एवं प्रोत्साहित करने के लिए विभाग के अधीन संचालित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं, धात्री माता, 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपूर्ति किए जा रहे पोषाहार से पोषाहार के पैकेट्स पर सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने एवं मतदान हेतु प्रोत्साहित करने का संदेश प्राप्त करने हेतु जारी किए गए स्टिकर को चस्पा कर संदेश का प्रचार प्रसार के रूप में नवाचार के संबंध में जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा द्वारा अपने लाभार्थी को उपलब्ध कराए जाने वाले पोषक सामग्री किट्स पर स्टिकर चस्पा कर मतदाता पंजीकरण, मतदान शत प्रतिशत करने, महिला मतदाता जागरूकता के लिए अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया गया। आज स्टिकर के पोस्टर का विमोचन किया गया। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्टिकर उपलब्ध कराए गए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषाहार सामग्री वितरण करते समय उक्त इसको स्टिकर चस्पा करने का कार्य करेगी ताकि महिला एवं बाल विकास विभाग के इस नवाचार में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों में भी मतदाता जागरूक हों। ममता तिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा एवं राजेश डागा उपनिदेशक ICDS कोटा द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम स्विप अंतर्गत जारी किए गए स्टिकर एवं पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य, आंगनवाड़ी मानदेय कर्मचारी संगठन की महिलाएं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार आदि उपस्थित रहे। BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।